वेलकम टू टुडेज क्लास। वी आर इन पार्ट टू ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि ये हमें कहाँ से मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट के अंदर से सारे ही एलिमेंट्स मिलते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक पार्ट था जो कि 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में भी सेम है, तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजा था, उसका वो देखने के लिए कहा था। सो आई होप आप लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जनरल डिफरेंसेस उस वीडियो में देख लिए होंगे। सो हम शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में 9 प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंसेस क्या है, ठीक है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, मतलब कि हम फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि मेटल्स आर जनरली हार्ड, वेयर एज नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, क्योंकि नॉन मेटल्स गैशियस फॉर्म में भी होते हैं। मेटल्स आर एक्चुअली फिजिकल स्टेट इनका सॉलिड होता है, एक्सेप्ट मर्क्यूरी जो लिक्विड है। नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैशियस तीनों स्टेट्स में होते हैं। हमारे पास 22 नॉन मेटल्स हैं, आउट ऑफ विच 10 आर सॉलिड, 11 आर गैशियस एंड 1 इज लिक्विड। देन वी हैव मेटल्स विच अपीयर शाइनी, विच हैव डिफरेंट कलर्स। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड गोल्डन कलर का होता है, सिल्वर सिल्वर कलर का होता है, आयरन रेडिश ब्राउन कलर का है, कॉपर रेडिश ब्राउन कलर का है, डार्क ब्राउन है आयरन बेसिकली तो। और वैसे ही सारे अलग अलग एलिमेंट्स जो मेटालिक है उनको अलग अलग कलर्स है, ठीक है? लेकिन नॉन मेटल्स आर जनरली कलरलेस, बेसिकली सिर्फ ब्रोमीन जो लिक्विड है उसको ब्राउन कलर होता है, सल्फर येलोइश कलर का होता है, फॉस्फरस व्हाइट रेड दो कलर्स में मिलता है, बस बाकी सब तो गैसेस है। तो उनको क्या कलर रहेगा, गैस कोई भी कलर का, मतलब कलरलेस ही होता है। इसके बाद हमारे पास मेटल्स में वी हैव अनदर प्रॉपर्टी सोनोरिटी। सोनोरिटी मीन्स सोनोरस, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब उनको हिट किया जाता है किसी चीज से। देखो ये मेटालिक पार्ट अलग साउंड कर रहा है, ये जो प्लास्टिक पार्ट है वो इतना लाउड साउंड नहीं क्रिएट कर रहा है, ठीक है? तो नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। इसके बाद मेटल्स आर डक्टाइल, विच मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। हिंट कैसे याद रखना, डक, डक का नेक कैसा है, वायर जैसा है ना, तो डक्टिलिटी मीन्स द प्रॉपर्टी टू ड्रॉ थिन वायर्स आउट ऑफ द मेटल। सो डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, गैशियस है, कैसे वायर्स बनेंगे। देन वी हैव मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी मीन्स द प्रॉपर्टी टू हैमर इनटू थिन शीट्स, ठीक है? डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी में कंफ्यूज होता है, डेफिनेशंस बहुत बार उल्टी लिख देता है स्टूडेंट्स, तो कीप दिस डेफिनेशंस इन माइंड। नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब इजिली ब्रेक नहीं होता है, चाहे आप उसको कितना भी खींचो या कितना भी जोर से दबाओ। वेयर एज नॉन मेटल्स आर हैविंग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर मेटल, सिल्वर, मेक इट अ नोट, ठीक है? वेयर एज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज लेड, LEAD, लेड इज अ मेटल जिसको कुछ बच्चे लीड भी बोलते हैं। तो ये पेंसिल की जो नोक होती है, लीड होती है, वो नहीं है, ये दूसरा एक मेटल है, ओके? नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इसलिए उनको इंसुलेटर बोला जाता है। एक्सेप्शन कहाँ पे आ जाता है आपका, एक्सेप्शन आ जाता है नॉन मेटल्स का, कार्बन। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जो आपकी पेंसिल की नोक है वो ये ग्रेफाइट है, ठीक है? ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बड़े बड़े केमिकल प्रोसेसेस में, इलेक्ट्रोड मतलब एक बैटरी के टर्मिनल के समान काम करता है, ठीक है? तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच इज इवन दो नॉन मेटल, स्टिल इट इज अ कंडक्टर। नेक्स्ट, मेटल्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्वियसली क्योंकि उनका मेटल का स्टेट, फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो उनको मेल्ट करने के लिए काफी टाइम लगेगा, मेल्ट ही नहीं होंगे तो बॉइल करने के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? वेयर एज नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू मेटल्स। मेटल्स हैव लो डेंसिटी, सॉरी लो होता है क्या, मेटल्स हैवी होते हैं, दे हैव हाई डेंसिटी, पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं। इतना एरिया है अगर छोटा सा, उसमें 10 ट्रीज है, ठीक है, 10 ट्रीज, केस टू उसी सेम एरिया में 100 ट्रीज है, तो कौन सा एरिया ज्यादा डेंस है, कौन सा फॉरेस्ट ज्यादा डेंस है, ऑब्वियसली केस टू, क्योंकि वहां नंबर ऑफ ट्रीज पर यूनिट एरिया ज्यादा है, राइट? सो दैट इज डेंसिटी, कौन सा हैवी है, किसमें ज्यादा पार्टिकल्स है। सो मेटल्स हमारा हाईली डेंस होते हैं, वेयर एज नॉन मेटल्स आर लेस डेंस, ठीक है? लेकिन मेटल्स में भी एल्यूमिनियम है जिसको थोड़ा कम डेंसिटी है, इसीलिए वो एल्यूमिनियम जो है वो प्लेन के पार्ट्स बनाने के लिए यूज होता है, शिप के पार्ट्स बनाने के लिए, शिप वाटर पे चलता है, लाइट इन वेट होना चाहिए, उसके पार्ट्स बनाने के लिए यूज होता है, ओके? नेक्स्ट, लस्टर। मेटल्स आर लस्टरस, दे शाइन, दे हैव शाइनी अपीयरेंस, वेयर एज नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस।
एक्सेप्ट कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज लस्ट्रस, पेंसिल का जो लीड होता है वो चमकता है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड इज लस्ट्रस, कार्बन के अलावा आयोडीन क्रिस्टल्स जो होते हैं, आयोडीन एक एलिमेंट है, वो भी लस्ट्रस होता है, ठीक है। सो दीज आर द फ्यू एक्सेप्शंस व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड। और डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन ऑन प्लैनेट अर्थ, इवन दो इट इज नॉन मेटल, हम बोलते हैं नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं एज कम्पेयर टू मेटल, बट डायमंड इज एन एक्सेप्शन। एक डायमंड से ही दूसरा डायमंड कटता है, इसके अलावा डायमंड को कोई चीज तोड़ नहीं सकती, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि एक पीरियोडिक टेबल का प्रिंट आप अपने पास संभाल के डाउनलोड करके रख लें, तो आपने रखा हो तो अच्छी बात है। अब उसमें आप ऑब्जर्व करोगे टोटल वी हैव 118 एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें से कुछ होते हैं मेटल्स जो है 22 एलिमेंट्स, तो मैं अभी आपको इन शॉर्ट उनको याद रखने का तरीका बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के अलावा कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके पास मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी है या इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है, बीच की, मतलब इनिशियली दे आर नॉन मेटल्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, धीरे धीरे उनपे टेम्परेचर बढ़ाओ या इम्प्यूरिटी एड करो, दे स्टार्ट कंडक्टिंग लाइक मेटल्स। सो नॉन मेटल्स से धीरे धीरे वो गुड कंडक्टर बन गए। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, अभी हम सिलिकॉन एरा में हैं, आपके फोन के अंदर हर एक आईसी, हर एक चिप, फोन की, मोबाइल की, टीवी की, उसके अंदर सिलिकॉन है, तो दे आर एक्चुअली बैड कंडक्टर्स, उसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होने वाला है, ठीक है। जब चार्जिंग नहीं है बैटरी को तो कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे जब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाओगे उसमें, ठीक है, या फिर उसमें कुछ अदर मटेरियल्स एड करोगे, सो सिलिकॉन एज इट इज नहीं यूज किया गया, उसमें थोड़ा सा फॉस्फरस या फिर इंडियम एड किया गया है, मतलब 10,000 एटम में सिर्फ एक फॉस्फरस का एटम डाला गया है, जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी और वो कंडक्ट करने लगा है मेटल्स के समान। तो अब ये मेटल्स की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए हम इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इनिशियली दे डू नॉट कंडक्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस, बट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और एडिंग सम इम्प्योरिटी दे स्टार्ट कंडक्टिंग लाइक मेटल्स, हेंस मेटलॉइड्स आर ऑल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर्स। Now there are 8 metalloids in our periodic table, which are as boron, silicon, germanium, arsenic, astatine, tellurium, antimony and polonium. ठीक है, तो ये 8 नाम अपने नोटबुक में आप लिख के इनको याद करिएगा। अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाती हूँ और मैं आपको बताती हूँ मेटल्स कहाँ होते हैं, नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं, मेटलॉइड कहाँ होते हैं और नॉन मेटल्स को कैसे याद रखना है। So here is a periodic table in my hand. I hope you are able to see it clearly. ठीक है, तो ये periodic table के अंदर आप देखोगे तो horizontally इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. तो horizontally elements के नाम लिखे हैं, so last element is 118. ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल आपके पास इसका इमेज डाउनलोडेड फॉर्मेट में होना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो लेफ्ट राइट साइड में इस पीरियोडिक टेबल को ऐसे देखा जाएगा, इस तरीके से अगर रखा है आप सामने से रीड करो तो दिस मस्ट बी योर लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल, दिस इज द राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में जितने एलिमेंट्स है ये सारे मेटल्स है, ठीक है, राइट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। अब ये जो बीच में से जिगजैग लाइन पास ऑन हो रहा है इट इज एक्चुअली मेटलॉइड, तो आप टिक कर सकते हो वहां पे बी फॉर बोरॉन मेटलॉइड है, सिलिकॉन, फॉस्फरस, आर्सेनिक, सेलेनियम, टेलुरियम, एंटीमनी एंड पोलोनियम एंड एस्टेटाइन। ठीक है, तो ये 8 एलिमेंट्स को आप टिक कर दो, जर्मानियम, सॉरी सेलेनियम नहीं, जर्मानियम, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मानियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटाइन। तो इस तरीके से ये जिगजैग लाइन जा रहा होगा, ये मेटलॉइड है, इसके इधर सारे नॉन मेटल्स है, इस लाइन के इस तरफ में सारे मेटल्स है। तो हम ये जो 22 नॉन मेटल्स है इनको अगर याद कर ले तो हमें बाकी के सारे एलिमेंट मेटल है पता चल जाएगा, तो कोई जरूरत है कि ते सारे मेटल याद करने की, इजी काम करेंगे हम। 118 एलिमेंट्स है, नॉन मेटल्स को याद कर लो, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो फिर मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है आपका एलिमेंट। तो हम नॉन मेटल्स को याद करने के लिए छोटा सा क्रिकेट टीम है हमारे पास नॉन मेटल्स का, उसके कुछ प्लेयर्स है, उनको स्टडी करते हैं। अब जब क्रिकेट होता है तो आपको पता है कि क्रिकेट टीम में कितनी टीम्स होती है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन होना चाहिए, अंपायर होना चाहिए, राइट। तो हमारा अंपायर जो है ये ब्रो है, एकदम ब्रो, ब्रो बोले तो किसी को चोट लगी ना तो ये पानी लाएगा, ठीक है। तो ये अंपायर जो है ये वाटरमैन है बेसिकली, सो ये ब्रोमैन है इसलिए इसका नाम है ब्रोमाइन। क्या नाम है? ब्रोमाइन, मतलब ब्रोमीन इन शॉर्ट।
कोई कोई ब्रोमीन बोलते हैं, कोई कोई ब्रोमाइन बोलते हैं, जिसको जैसे स्पेलिंग याद होती है उसको वैसा प्रोनाउंस करो, बिल्कुल बिंदास, ठीक है। अब ये ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन जैसे कि मैंने बोला वाटर मैन है, तो ये हमारा है लिक्विड नॉन मेटल। कौन है ये? लिक्विड नॉन मेटल एलिमेंट है। अब मेरे पास गर्ल्स की एक टीम है, क्रिकेट टीम, और एक गर्ल्स वर्सेस कौन होना चाहिए? बॉयज होना चाहिए, राइट। तो वी हैव बॉयज का क्रिकेट टीम। अब बॉयज की क्रिकेट टीम जो है थोड़ी तगड़ी सी है, रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, पता है ना पिछले बार का वर्ल्ड कप कौन सी टीम ने जीता था? बॉयज की गर्ल्स क्रिकेट टीम ने। सो सिर्फ हमारी क्रिकेट टीम या बॉयज की क्रिकेट टीम थोड़ी सॉलिड है, सॉलिड। वेयर एज गर्ल्स की क्रिकेट टीम जो है, जी फॉर गर्ल्स, मतलब कि आप याद रखो यहाँ पे गैशियस एलिमेंट्स की टीम है, ओके, ये सारे गैशियस एलिमेंट्स की टीम है और वो सॉलिड टीम है, सॉलिड एलिमेंट्स की। तो गैशियस एलिमेंट्स कौन? हीना, नीना और करीना, जीरो रन पे आउट आ रहे, ठीक है। सो ये क्या लिखे है मैंने? ये मैंने एलिमेंट्स के सिंबल लिखे। कौन से एलिमेंट्स के? जो आपके इस पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट कॉलम है ना, 18th कॉलम, उस कॉलम के एलिमेंट्स का नाम है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। सो हीना, नीना और करीना जीरो रन पे आउट। क्यों आउट हुए भाई जीरो रन पे? क्योंकि ये लोग क्या थे? इनएक्टिव प्लेयर्स थे। इनएक्टिव क्या थे? इनएक्टिव प्लेयर्स, ठीक है। तो इनएक्टिव प्लेयर्स हमारे एक्चुअली कौन है? एलिमेंट्स। तो इनएक्टिव एलिमेंट्स, तो एक्चुअली दीज आर दी नोबल गैसेस। कौन है ये? नोबल गैसेस है। अभी नाम याद रखे आप, इसको हम डिटेल में बाद में समझ लेंगे कि नोबल गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते, दे आर वेरी काइंड, वेरी जेन्युइन। इन्होंने उसको किसी ने भी गुस्सा दिलाया बोला चलो मुझसे झगड़ा करो, दे वोंट रिएक्ट एट ऑल, दे आर वेरी स्टेबल, दे आर वेरी काम। सो दस दे आर नोन एज नोबल गैसेस, ठीक है। इनएक्टिव एलिमेंट्स, नोबल गैसेस। सो हीना, नीना और करीना जीरो रन पे आउट। इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, रिदम में याद रखो, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ये दो एलिमेंट इंक्लूड करके इतने एलिमेंट हमारे क्या है? टोटली 11 एलिमेंट गैशियस है, ठीक है। 11 एलिमेंट्स आर गैशियस, ओके, 11 एलिमेंट्स आर गैशियस। एक हमारा लिक्विड है, फाइन। कितने मैं बोले थे मैंने? टोटल 22 प्लेयर्स है, कितने बचे? 10। तो 10 कहाँ आएंगे? हमारे बॉयज के टीम में रहेंगे 10 एलिमेंट्स यहाँ पे। तो कौन है 10 एलिमेंट्स मेरे? ए ए बी सी। क्या पढ़ाई करनी है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, बट डबल ए, ठीक है। ए ए बी सी, अमन जो नाम पढ़ा रही है इसलिए ए ए बी सी, ठीक है, डबल ए, ए बी सी एंड देन विथ फॉस्फरस, विथ फॉस्फरस, ए ए बी सी विथ फॉस्फोरस, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट जो आपका सॉलिड है वो है फॉस्फोरस। क्या आप बोलोगे नीचे से? या तो ऐसे भी याद रख सकते हो, पीसीबी, साइंस का ग्रुप, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और ऊपर एएबीसी और नीचे से पीसीबी। नेक्स्ट, एवरीवन डज सोशल स्टडीज, हम लोग करेंगे सुपर सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज एसएसटी, सुपर सोशल स्टडी एसएसएसटी, ठीक है, तीन बार एस, along with iodine. So we will do super social studies with iodine. So SSST with iodine. S for कौन है? Sulfur. ठीक है. S for कौन है? Selenium. S for कौन है? Silicon. T for कौन है? Tellurium. Done. A for कौन है? Arsenic. A for कौन है? Astatine. B for कौन है? Boron. C for कौन है? कार्बन। सो दिस इज अबाउट द क्रिकेट टीम। अब कौन बचा हमारे पास? ये इसके नाम आप लिख लोगे ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, CHLORINE, डू नॉट मेक स्पेलिंग मिस्टेक्स, ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। नेक्स्ट, मेरे पास दो लोग जर्मनी एंड पोलैंड से आए थे विदाउट मनी, सो आई कॉल देम एंटी मनी। विदाउट मनी आए थे इसलिए हम बोलते हैं उनको एंटी मनी। कहाँ से आए थे? जर्मनी एंड पोलैंड। सो जर्मानियम, पोलोनियम, एंटी मनी। तो ये सारे मेरे पास 22 प्लस 3 आप इंक्लूड कर लो, ये सारे नॉन मेटल्स है।
आप बोलोगे बोरॉन, आर्सेनिक, एस्ट्रोडाइन, सिलिकॉन, सेलेनियम, जर्मानियम, ये सब तो जो है मेटलॉइड्स है. यस दीज आर मेटलॉइड्स, बट प्रीवियसली दीज वर कंसिडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल्स, क्योंकि ओरिजिनली नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज दिखाते. बाद में जब उनपे रिसर्च की गई, एक्सपेरिमेंट्स किए गए और फिर वो कंडक्ट करना शुरू किए गए, तो उनको सेपरेट करके मेटलॉइड या फिर सेमीकंडक्टर बोला गया. तो पहले तो वो इन्हीं में आते थे. इसलिए आप याद रखो कि ये मेटल्स नहीं है, उस चीज को याद रखने की कोशिश है. ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट जो है नॉन मेटल्स है. इनका फिजिकल स्टेट याद रखे, गैशियस होता है. ब्रोमीन ओनली लिक्विड नॉन मेटल है. मर्क्यूरी ओनली लिक्विड मेटल है. ये सारे सॉलिड नॉन मेटल्स है और ये कुछ मेटलॉइड्स है. क्लियर? सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग. ओनली लिक्विड मेटल तो मर्क्यूरी है, बट ऐसा कौन सा मेटल है जिसको पाम पे रखते ही वो पिघल जाता है? जैसे कि मैंने बोला मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी, वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म है. इसके अलावा होता है एक मेटल गैलियम, GALLIUM. सो गैलियम इज द ओनली मेटल जो आपके रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है. 25 डिग्री सेल्सियस इज द रूम टेम्परेचर, लेकिन आपके पाम पे रखते ही पिघल जाता है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट 35 to 37 के रेंज पे है, जो बहुत कम है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दी मेटल्स. ठीक है, तो गैलियम इज द मेटल विच मेल्ट्स ऑन दी पाम, याद रखें. इसके अलावा आई गेस सीरियम या सीशियम है, बट आई एम नॉट श्योर, सो लेट्स नॉट राइट दैट नेम, लेट्स गो विद द गैलियम एज ऑफ नाउ. फाइन, सो हाँ, अब हम अगला क्या टॉपिक पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को. तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? ये जितना भी हमने पढ़ा ये फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब देख के या उसकी शाइन, अपीयरेंस, फिजिकल स्टेट, ये सारी बातें फिजिकल प्रॉपर्टी है. अब केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कैसे रिएक्ट करता है, हमारे मेटल्स रिएक्ट होते हैं दूसरे नॉन मेटल्स या दूसरे एलिमेंट्स से टू मेक समथिंग न्यू. अब यहाँ से ऑक्सीजन आया, यहाँ से हाइड्रोजन आया, दोनों कुछ कुछ रिएक्शन किए, कंबाइन हुए केमिकली और वाटर बना H2O. ठीक है, तो इस तरीके से जब दो चीजें इंडिविजुअल कंबाइन होके कुछ तीसरा नया बनाती है, टोटली डिफरेंट, तो हम बोलते हैं कुछ केमिकल प्रोसेस हुआ है, कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है. और ये जो चीजें दिखाती है जब कोई एलिमेंट्स, तो उनको उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बोला जाता है. तो मेटल्स की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज है. पहली प्रॉपर्टी, मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर बेसिक और एम्फोटेरिक इन नेचर. ठीक है, फिर मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, मेटल पानी से भी रिएक्ट करता है, मेटल ऐसे बहुत सारी चीजों से रिएक्ट करता है. तो कैसे करता है, क्यों करता है, ये हम हमारी अगली क्लास में देखेंगे बहुत सारा बेसिक पढ़ने के बाद. तो इन नेक्स्ट क्लास मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके फर्स्ट 20 एलिमेंट सिक्वेंस में आपको याद हो जाने चाहिए. ठीक है, सो लेट मी रीड द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. ठीक है, तो इस तरीके से हाइड्रोजन से कैल्शियम तक आपको 20 एलिमेंट्स याद करना है बिफोर वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्लास. सो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, एंजॉय लर्निंग.